हाउ इट फील्स टू बी अ फादर एट दिस एज? बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग है। मुझे माशाल्लाह तो बस माशाल्लाह, एक जो है ना खेलने का वो मिल गया है, भालू वाह उसको उठा के कभी इधर कभी इधर माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा लगता है। यही कभी सोचता हूँ अजलान को देख के ना कि क्या राइट टाइम पे सब कुछ, इतना अच्छा फैसला कैसे लिया तूने वो भी अल्लाह अकबर तो अल्लाह। बस उसकी शादी कब कर रहे हैं? इंशाल्लाह उसकी बस आगे 2 साल है अगले 2 साल में अगले दो साल में आपकी जो बहू होगी उसके पैंपर्स साथ आएंगे इंशाल्लाह दूध के डब्बे भेजो दूध के डब्बे भी साथ आएंगे इंशाल्लाह। नहीं नहीं माशाल्लाह, रियली हैप्पी माशाल्लाह, और मे अल्लाह ब्लेस यू। और हम यही दुआ करेंगे, देखें कि आपको अल्लाह नजरे बद से भी बचाए, आप भी असकार किया करें, ख्याल इंशाल्लाह किया करें, और इंशाल्लाह एक विजन के साथ चलें। ये जो फैसला आपने असद किया इस पे आते हैं माशाल्लाह, बड़ा बहुत बड़ा फैसला है। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी एक, जाहिर है मेरा भी चैनल है, तो मैं अगर अपने आप को शूज़ में लाऊं आपके, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन के पैसे आ रहे हैं, अच्छा एक वो चैनल बना हुआ है और वो कंटेंट हिट भी हो रहा है, और एकदम एक बंदा फैसला करे कि नहीं यार मैं नहीं करता, तो ये ऑब्वियसली इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड क्या है इस डिसीजन के पीछे? अली भाई दरअसल जो है ना, जब शुरू में फैमिली ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तो पीक पे थी बहुत फैमिली ब्लॉगिंग ना, और ऑलरेडी पाकिस्तान में नहीं थी वो, पाकिस्तान में लाया एक यूट्यूबर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है, तो वो लाया पाकिस्तान में फैमिली ब्लॉगिंग, प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है फैमिली ब्लॉगिंग जी, कैटेगरी है, अच्छा कैटेगरी है जी, ये बिल्कुल इंडिया में ये जो है ना मुगीर भाई, इंडिया में ये काफी जो है ना फेमस था। अच्छा, इंडिया में एक यूट्यूबर है, उसके तो डेली व्लॉग्स में माशाल्लाह से, माशाल्लाह बोलूंगा नहीं आता, नहीं है 6 मिलियन व्यूज एक दिन में, और वो फैमिली व्लॉगिंग है, फैमिली व्लॉगिंग, आप उनको देखिए वो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ फैमिली दिखा रहा है, जस्ट फैमिली दिखा रहा है, ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी रोज, और मैं तो बस तक माशाल्लाह, वो तो डांस भी करवा रहा है सबसे, ये वो तो बस तक, ठीक है, तो फैमिली व्लॉगिंग एक यूट्यूबर लाया था, मैंने उसको देखा, मैंने बोला अच्छा ये तो बहुत ईजी सीन है, बहुत आसान है और स्कोप भी है, तो मैंने स्टार्ट किया था इसको, तो शुरू में तो बहुत मजा आ रहा था, मैंने बोला नाइस, तो टू बी ऑनेस्ट सच बात बताऊँ तो पैसे मिल रही है, पैसे आ रहे हैं, नाइस यार ईजी काम, मेहनत भी नहीं और पैसा भी आ रहा है, ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया इसको किया, तो अब मैं आपको 5-6 महीने, इस आज से 5-6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट करने से 2 साल बाद की बात, तो बीच में ना मेरा थोड़ा दिल हुआ, मैं जो है ना टू बी ऑनेस्ट इस तरफ थोड़ा जो है ना आने लग गया दीन की तरफ, ठीक है, मैं पहले सच बोलूँगा झूठ नहीं बोलूँगा, मैं पहले इस तरफ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैं फेम मुझे मिला, वायरल हुआ मैं, तो मैं इस चीज़ में बहुत घुस गया था, टिकटॉक, बीगो लाइफ, यूट्यूब, इनमें मैं बहुत घुस गया था, ठीक है, तो मुझे जो है ना फिर मैंने जो है ना थोड़ा बयान सुनना स्टार्ट किया ना, डॉक्टर इसरार अहमद ये वो इनके ना, तो मैंने जो है ना, तो मुझे जो है ना थोड़ा मुझे रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ, मगर मैं अपने आप को जो है ना तसल्लियाँ दे रहा था, मैं बोल रहा था सब कर रहे हैं ना, इसमें गलत क्या है, एक आता ना माइंड में, तो इन्हीं आपको एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस फील हो रही थी जी, इवन दो यू हैड ऑल द, मतलब एक बंदा पॉपुलैरिटी इज, पीपल लॉन्ग फॉर इट, कि यार उस बंदा इतना पॉपुलैरिटी, मेरे इतने व्यूज हैं, आपको यू गॉट एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम यू आर फीलिंग कि यार कुछ समथिंग इज मिसिंग, राइट, आवाजारी हो रही थी, सो के उठता था सही नहीं लगता था, मैं बोलता था कुछ है, मैं बहुत जो है ना कामों के पीछे, मैं मुझे अलग अलग काम करने के बहुत शौक है, कि अलग इस बिजनेस, ये भी बिजनेस करूँ, ये भी बिजनेस करूँ, तो मैं बस उसके पीछे भागता रहता था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भी चल रहा था, मगर फिर भी मुझे जो है ना नहीं समझ आ रही थी कि चल क्या रहा है, सो के बेतुके टाइम उठ रहा हूँ, अपना काम देख रहा हूँ, ठीक है, और फिर जब सो भी रहा हूँ तो सुकून की नींद नहीं आ रही, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, तो मगर मैं छोड़ने के लिए राज़ी भी नहीं था, अपने आपको तसल्लियाँ दे रहा था, काफ़ी चीज़ों से डिफेंड कर रहा था, अगर आप कोई चीज़ गलत करते हो, कोई भी, मैं अगर कुछ करता हूँ तो मैं उसको डिफेंड करने के लिए 100 चीज़ें लाऊंगा, नहीं यार ये इस चीज़ से, इस लिहाज से ये चीज़ ठीक है, इस लिहाज से ये चीज़ ठीक है, जो सिगरेट पीता है बंदा। आपकी, हाँ, आपकी वाइफ का क्या रोल था इसमें, इस जगह पे, यानी आपकी वाइफ, शी वाज न्यूट्रल और शी वाज आल्सो, वाइफ जो है ना मेरी शुरू से जो है ना उनको इंटरेस्ट नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो है ना शुरू से वो सोशल मीडिया की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर आप उनके अकाउंट भी खोल के कुछ देखें तो वो बस मजबूरन के खातिर बनाया हुआ था, ठीक है, वायरल, सही समझ रहे हैं, वायरल, ओके वायरल, वो बना हुआ था पहले से, हाँ वो पहले से ही बना हुआ था, शादी से पहले से ही, प्राइवेट था वो बहुत, तो फॉलोअर्स आने लगे तो उसको पब्लिक कर दिया, वो आप देखें तो उन्होंने ना शुरू से ना कोई वीडियोस बनाई है ना कुछ, बस मेरे व्लॉग्स में आती थी, पर्सनल वो खुद कैमरा सेट करके कभी उन्होंने आज तक या बोला मेरी वीडियो बनाओ, उनको शौक ही नहीं था, ठीक है, तो मैं जो है ना समझ नहीं आती थी मैं इसको छोड़ूं कैसे, ये मैं आपको 4-5 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आती, छोड़ना चाह भी रहा था मगर मैं ऐसे था 50-50 था, ओके, जब मैं आपसे पहली बार मिलने आया था इधर, जब आप कमिटमेंट, आप ट्रैफिक में फंस गए थे आप, ठीक है, तो मैं फैजान भाई से जो है ना रास्ते में यही बात कर रहा था इस बारे में कि मैंने जो है ना फैमिली व्लॉगिंग छोड़नी है, तो मैंने अली भाई से इस बारे में बात करनी है, मैं आप लोग से जो ना मिलना चाह रहा था, ठीक है, तो वो आया, फिर नहीं हो पाया, जो भी हुआ मुगीरा भाई से मैं मिला,
ठीक है, तो मैं राइट टाइम नहीं लगा सही बात करने का, मैंने बोला सब थे, मैंने बोला ठीक है फिर कभी। तो जब मैं घर गया फिर आपका पॉडकास्ट था, आपका आप दोनों का ही पॉडकास्ट था, ठीक है, तो उसका एक क्लिप वायरल हुआ सही, जिसमें मुकीदा भाई बोल रहे थे तीन नहीं देखता इंसान, अल्लाह उन तीन चीज़ों को नहीं देखता। तो मैंने जो है ना की निगाह से नहीं देखता, बिल्कुल भी नहीं देखता, ठीक है। तो मैंने जो है ना वो मुझे बहुत हिट की चीज़, वो जैसे ही मुझे हिट की मैंने वो क्लिप देखा, मैंने फ़ोन वो पीछे बैक ऑफ किया, मैं गया वीडियो बनाया मेरा, मैंने ला नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने किस चीज़ की कमी है, अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा होना कि घर ही इस पर चल रहा है, ऐसी बात नहीं थी कि मेरा घर ही इस पर खा रहे, नहीं। तो मैंने बोला क्यों असद कर रहा है ये, तो मैंने बोला उसी वक्त मैंने फैसला लिया, वीडियो बनाई मैंने यूट्यूब पे लगा दी, हालांकि मैंने किसी से मशवरा कुछ नहीं लिया, ना वाइफ से पूछा ना मम्मी को ना कुछ, मैंने बस बोला कर दिया कोल्ड टर्की मेथड है बस दस्ती जी, मैंने बोला बस दस्ती अब करो अब नहीं। आपके पेरेंट्स, आपके इर्द गिर्द जो फ्रेंड्स हैं और जो भी आपका सर्कल है सोशल सर्कल, तो जाहिर है एक आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो क्या आपको कहीं से वो इन्फ्लुएंस करते नजर आ रहे हैं, आपको फील होता है कि उनकी तरफ से कोई प्रेशर, या फिर नहीं आप कहते नहीं वो दे वर सपोर्टिव? बहुत सपोर्टिव, अम्मी अब्बू तो बहुत ज्यादा, बल्कि ऑडियंस मैंने देखा है बड़ा आपको माशाल्लाह अप्रिशिएट कर रहा है, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करिए। मैंने मुझे अल्लाह ने तो पहले इज्जत दी, जो वायरल हुआ मैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह से दी मुझे, मगर जो मुझे अब लोग जैसे मिल रहे हैं ना अली भाई, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, क्या बात, मुझे अब बहुत अलग तरीके से लोग, ये जेन्युइन इज्जत है, ये जेन्युइन इज्जत है, पहले तो देखने वाली कि इसकी लाइफ फेमस है, चलो फेमस है, ओके मिलना, अब जो मुझे फील हो रहा है मुगीरा भाई, मुझे फील हो रहा है कि इतने अच्छे लोग इतने अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे इतना मज़ा आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ बस यही है अब इंशाल्लाह। मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके लिए दुआ भी करें और सपोर्ट करें, क्योंकि माशाल्लाह हमें ऐसे आप जैसे ना असद चाहिए व्लॉगर्स जो इंशाल्लाह अच्छा कंटेंट बनाएं, ट्रेंड अच्छा सेट करें, मतलब एग्जांपल अच्छी सेट करें हमारे यूथ के लिए। मैंने आपको उस दिन यूथ क्लब की भी कुछ वीडियोस दिखाई थी कि देखें विदाउट यूजिंग एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमने कैसा इफेक्ट क्रिएट किया था, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अल्लाह आपसे भी ये काम कराए, और इंशाल्लाह वी आर विद यू।